ये सब गृहस्थ होते हैं। इसका मतलब क्या, महाप्रभु कहते हैं गृहबा बनने तो थाके सदा हरि बलि डाके। वो भले ही घर में क्यों नहीं हो, भले ही आश्रम में क्यों नहीं हो, अगर घर में रहते हुए अगर भगवान की सही सही कोई भजन करता है ना, वो श्रेष्ठ है। लेकिन कोई आश्रम में रहते हैं, लेकिन देखने के लिए साधु का कपड़ा पहना हुआ, लेकिन भजन भजन से कोई मतलब नहीं। कहां भंडारा के दिन भर भंडारे के चक्कर में घूमता रहता है, खाने के लिए कहां प्राणायाम मिलेगा और कहां खाना मिलेगा, दिन भर घूमते रहते हैं। हरि नाम से भजन से कोई मतलब नहीं। क्या उसको साधु कहा जाएगा? अपने साधु नहीं कहा जाएगा उसको। इसलिए श्री रामानुज आचार्य जी का जीवन में देखे होंगे, वहां पर उनका एक शिष्य था जिनका नाम था धनुर्धर, वो गृहस्थ था। क्या रामानुज आचार्य जी को उन्होंने सेवा की, बड़ी लंबी कथा है। वो बड़ा वेश्या के प्रति आसक्त था, लेकिन जब रामानुज आचार्य जी की कृपा हुई, इतने उन्होंने गुरु जी की सेवा की, इतने गुरु जी की सेवा की, कभी त्यागियों का अंदर में अभिमान आ गया। गुरु जी जब शरीर में तेल लगाते हैं, तब ये हमारी त्यागियों का संतों को कंधे पर हाथ रख करके स्नान के लिए जाते हैं, और जब स्नान करते हैं और ये किसको, ये धनुर्धर के कंधे पर हाथ रख करके ऊपर आते हैं। कभी सन्यास को अभिमान हुआ, लेकिन गुरु जी प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया, देखो वो देखने के लिए लगता है गृहस्थ है, लेकिन तुम लोगों से बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि जिसकी अंदर में जितनी भावना हो गुरु जी की सेवा ठाकुर जी के प्रति ना, वही साधु है, हैं? वही साधु है। बोले गृह हो त्यागी हो, भक्त भेद नहीं, भक्त भेद देखले से विपा के जाए। भक्त में कोई भेद नहीं करनी चाहिए, वो घर में हो नहीं तो त्यागी हो। तो कहते भक्तों का लक्षण क्या, इसलिए श्री प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में जब शरीर छोड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने सारे भक्तों को बुलाया। ये अंतिम प्रभुपाद का उपदेश, आप भी उपदेश को अगर ग्रहण कर लोगे ना, समझो जीवन भर तुम्हारी भक्ति में जीवन बीत जाएगी, भक्ति में जीवन बीत जाएगी। प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन करके भी हरी भजन नहीं छोड़ना। ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश। भजन के लिए जब आओगे बड़ा विपत्ति बढ़ा जीवन में, कहते सत्यम सत्य न विघ्नानी, सच को लेकर सौ विघ्न, अगर तपस्या करो जो हजार विघ्न, अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओगे तो प्रति पदवत में विघ्न। देखो मीरा की जीवन देख लो ना, हरिदास ठाकुर का जीवन देख लो ना। इसलिए भैया जो सहे सो रहे और जो नाश है वो नाश है। इसलिए इतने चीज अगर कोई गांठ बांध कर रख लेना, समझो भजन हो जाएगा। अगर इतना चीज अगर कोई गांठ बांध कर नहीं रखा, अगर थोड़ी सी इधर उधर कुछ हो गया, गुरु जी शासन कर दिए, वैष्णव लोग कुछ बोल दिए, बोले हम साधारण घर से थोड़ी आए, हम बहुत बड़े घर से, हमारे किसी चीज की कमी नहीं, हम इसलिए मंदिर में आए आपकी गाली सुनने के लिए, हम तो जा रहे हैं अपना घर में जा रहे, बात भजन हो गया तुम्हारे। इसलिए कहते संतों का पहला लक्षण तितिक सब कारुणी को बड़े दयालु सुहृद सर्व दहिनाम, कहिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं हम, एक ही पिताजी की, हम सब के सब एक पिताजी की हम बच्चे हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने 26 लक्षण हैं, लेकिन 26 लक्षण में जो 25 लक्षण हैं ये संतों का बाहर लक्षण, लेकिन एक विशेष लक्षण आप भी ध्यान देकर सुनो। कहते उनका विशेष लक्षण क्या है, बोले मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति यदिना, कहते जो मेरे को अनन्य रूप में भजन करता है, अनन्य मतलब न अन्य और किसी देवा देवी को नहीं, जो एकांत भजन, भजन में एकनिष्ठ होनी चाहिए। बहुनिष्ठ व्यक्तियों को सिद्धि नहीं होती है, इसलिए हमें एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बहुनिष्ठ नहीं होकर के। देखो एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आप लोग हमारे सब गौड़ीय वैष्णव हो अच्छे तरह सुन लो। एक समय राधा कुंड में कई संत रहते थे, गुरुदेव बारंबार ये कथा सुनाया करते थे। वो संत जब राधा कुंड में बैठी करके राधा रानी की स्मरण करते थे, बड़ा मस्ती आता था, राधा रानी की साक्षात अनुभूति उसको हुआ करती थी। एक दिन वो सोच रहे थे, भैया थोड़ी सी द्वारका जाने का इच्छा है, थोड़ा द्वारका जाकर घूमा था,
फिर सोचते थे नहीं, जब राधा कुंड में श्री किशोर जी के चरण में, फिर राधा कुंड जाने क्या क्या जरूरत है। लेकिन मन में कभी कभी इच्छा होती थी। एक दिन एक ब्रजवासी ने कहा, बाबा मेरे मन में इच्छा हो रही है द्वारका जाने के लिए, कोई संगी नहीं मिल रहा है। बोले मेरे मन में भी कभी इच्छा हुई थी। बोले चलो ना दोनों जाकर के द्वारका दर्शन करके आते हैं। हैं? बोले बाबा खर्चा पानी को कोई चिंता मत करो, सारे खर्चा पानी मैं दूंगा अभी। बोले चलो दोनों गए द्वारका। अभी द्वारका जाकर के उन्होंने किया कि द्वारका तो गए, भगवान को दर्शन तो किया, लेकिन उनकी गलती हो गई। उन्होंने जो 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 द्वारका में जो छाप होता है ना, ये जो शंख चक्र गदा पद्म का जो छाप है, उन्होंने वो छाप लगा लिया। जैसे लोहे को गर्म करके लगा देते हैं, फिर वो शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह हो जाता है, वो छाप लगा करके आ गया। आ करके जब फिर राधा कुंड में वापस आया, जब राधा जी की स्मरण करने के लिए चाहना, और उसका मन राधा जी के चरण में लगती नहीं। मन बड़ा चंचल हो रहा है, अशांत हो रहा है मन। हैं? बहुत कोशिश की मन को राधा रानी के चरण में लगाए, किसी तरह से मन नहीं लग रहा, बड़े छटपट छटपट कर रहा था। इतने में बोले, हे राधे आप मेरे हृदय में क्यों स्फूर्ति प्राप्त नहीं हो रही हो। इतने में आकाशवाणी ने बोले, बेटा इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हें नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले एक तो मेरे चरण छोड़ कर गया द्वारका, पर वहां पर जाकर के तुमने सब छाप लगा करके आ गया, ये शंख चक्र गदा पद्म के छाप लगा करके आ गया। इसलिए वहां ऐश्वर्य मार्ग में भक्ति, जैसे भी द्वारका कृष्ण का स्थान है, लेकिन वहां ऐश्वर्य मार्ग से भक्ति होती है। इतने में देखा, जब राधा रानी बोली इसी जीवन में और कृपा नहीं होगी, बोले जब किशोर जी की कृपा नहीं होगी फिर इस प्राण रख कर क्या लाभ है। इसलिए रण वाली एक स्थान है, वहां पर गए और उन्होंने बैठ करके अपना जोगाग्नि को उन्होंने प्रकट किया, अब प्रकट करते हुए उसी में ही अपना शरीर को उन्होंने त्याग दे दिया। इसलिए भैया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अच्छी बात कहते हैं, बोले भाव साबल्य, भाव विरोधी, भाव अविरोध, हाँ ये अच्छी अच्छी बात बताते हैं। कहते भक्ति की जो अनुकूल, जैसे हम किसको भजन कर रहे हैं, राधा कृष्ण को उपासना कर रहे हैं, राधा कृष्ण हमारे इष्ट है ना, ऐसे काम करनी चाहिए जो राधा कृष्ण को भक्ति में ही बढ़े। भाव जो विरोध चीज है उसको हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भक्ति तुम्हारी घट जाएगी। इसलिए यहाँ पर भगवान खुद कहते हैं, बोले माँ संतों का जो कि विशेष लक्षण है, मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति जो दृढ़ा, वो एक निष्ठ होकर के केवल मेरी नाम, मेरी भजन, मेरी पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश किया है, बोले मन मना भव, मन और किसका मत दो, मुझे दो मत, भक्त भव, भक्त और किसका नहीं, मेरे भक्त, माम जाजी किसको पूजा करो, बोले मेरी, बोले माम नमस्कुर नमस्कार किसको, मेरी, बोले माम एससी, पर क्या होगा तो मेरे को ही प्राप्त करोगे। इसलिए भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से सिद्धि तुम्हारी नहीं होगी। मैया को उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बात बता करके उन्होंने बोले माँ भले ही जिस कुल में क्यों जन्म नहीं हो, बोले अहो बत सपोच अतो गरियात जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, बोले माँ वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, अगर संपूर्ण जिहा नहीं, जिहा की अग्र देश में भी अगर मेरे कोई नाम करता है, मैया ये समझो वो पूर्व जन्म में चार काम करके आया है। क्या क्या करके आए, मैंने कल बताया था ना, याद है कौन, कोई बोल सकता है पूर्व जन्म में क्या चार काम करके आया, बताओ पीछे जो माताएं बैठी हुई हो। इसलिए समस्त तीर्थ में स्नान पहले कर चुका है, जितने तरह का दान पुण्य पहले कर चुके हैं, जितने तरह का तपस्या पूर्व जन्म में कर चुके हैं, और जितने बड़े से बड़े यज्ञ वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ, बड़े से बड़े यज्ञ उसने पूर्व जन्म में कर चुके हैं, तभी इसी जीवन में इसकी जिह्वा की अग्रदेश में प्रभु का नाम उच्चारण करता है। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, केवल जिह्वा की अग्रदेश में नाम करने का इतना महिमा, लेकिन जिसका पूरा जिह्वा ही भगवान का नाम ले रहे, जो कानों में भगवान की कथा सुनते, बोले भैया वो तो और भाग्यवान, बोले जिन्होंने जो ना हाथों से ठाकुर जी का सेवा करते, बोले और भाग्यवान, दो चरण से जो लोग वृंदावन धाम आए हो,
परिक्रमा करने के लिए बोली भैया उनकी भाग्य की बात हम बता ही नहीं सकते, इसलिए भगवान अपना माँ को दिव्य उपदेश दे करके भगवान चले गए। बोले कहाँ चले गए? भगवान चले गए गंगा सागर, इसलिए वहीं पर भगवान कपिल देव रहते हैं। अब जो संक्रांति का दिन जाते हैं वो पानी अपने आप धीरे धीरे वो नीचे पानी आ जाती है। साल में एक बार श्री कपिल देव सबको दर्शन देते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री कपिल भगवान की जय। जय श्री राधे। Yeah.
I'm gonna go get some more.
एक बार हाथ बैठा करके बोला बोला हरे कृष्णा 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 हरे मंदिर का मंदिर पर प्रणाम
फिर उसके बाद भगवान प्रकट हुए, नृसिंह भगवान प्रकट हुए, दूसरा प्राकट्य भगवान का, तीसरा फल है भगवान का प्रेम। कैसे? जब प्रहलाद जी को भगवान ने गोदी में बिठा लिया नृसिंह भगवान ने, और उनके उनकी उनके कपोलों को भगवान अपनी जीभ से चाट रहे हैं, चूमत मुख चाटत तन पुनि पुनि पुलकित प्रभु को गात, बन गए श्री माधव नरसिंह भक्त प्रहलाद बचावन हे। इस कारण से तीसरा है भगवान का प्रेम। अच्छा, भगवान का प्रेम प्राप्त होने के बाद भी श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी है। क्षमतव्यमं यदि मे क्षमये विलंब्यम्, प्रहलाद तुम्हें इतना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा मेरी वजह से, मेरी आराधना करने पर इस दुष्ट ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे, असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गायते, गिरी ते गिरायो, तुम्हें गिर ऊपर पहाड़ से गिराया, अग्नि में जलायो, आग में जलाया, और विष भूखवायो कसर राखी ना सताने में, मंजुल मुखार विंद चूमी चूमी कह प्रभु, क्षमा करो लाल मोहि देर भैयाने में, क्षमा करो लाल मोहि देर भैयाने में। तो ये तीसरा है भगवान का प्रेम। इस कारण से ये केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से, इसीलिए गुरु कृपा ही केवलम। उसके बाद का जो प्रसंग है ग्राह गज का, जो कि देखिए, एक हाथ त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी था, यह जीव ही शिव श्री श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार यह जीव ही हाथी है। कैसे हाथी है? जब भगवान को भूल जाता है तो मतंग मनसो जानिए। अब आप ही देख लो, कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उससे कहा, अरे यार तेरी तो पहले रुचि थी भगवान में, तो क्या कहता है, हाथी। तेरी तो संगीतन में रुचि थी, हाथी। तो वही हाथी है जो भगवान को भूल गया। दूसरा मगर, मगर है ना, मगरमच्छ। वो मगर क्या है? जीव की कुटिलता ही मगर है, उसका उसके आए हुए स्टॉपेज ही मगर है। कैसे? अरे तू संकीर्तन में नहीं चल रहा, हाँ चलता मगर। अरे तू कथा में नहीं गया, हाँ चल, हाँ जाता मगर। अरे संत आए हुए उसका दर्शन करने चल, हाँ चल, जरूर चलता मगर। तो ये स्टॉपेज ही मगर है। जब व्यक्ति, जब जीव भगवान को भूल जाता है तो ये काल रूपी मगर उसको पकड़ता है। ये श्रीधर स्वामी पाद का कहना है, काल रूपी मगर ही उसको पकड़ता है। खूब उछलता कूदता हाथी जब सागर में नहा रहा था, समुद्र में नहा रहा था, तो सरोवर में नहाते नहाते हाथी खूब आनंद से नहा नहाया। हमारा भी यही हाल है, जब हमारी अवस्था भजन करने की होती है, योग्य होती है, अनुकूल होता है, तो खूब मजे लेते हैं संसार में, खूब मजे लेते हैं। लेकिन जब हमारा समय आने को होता है, तो जब काल रूपी मगर ग्रसने को होता है, तब हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही वो मगर आया, मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब जब मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, मगर ही मृत्यु है, मगर ही काल है। तो हाथी ने लड़ा उससे, जितना सामर्थ्य थी लड़ी, लड़ा हाथी ने। अब हाथी ने लड़ा, जीव भी ऐसे ही करता है, बार बार आए हुए काल से लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, अब क्या हुआ, जब सारा का सारा वर्षों तक युद्ध चला, तब जब हाथी का बल क्षीण हुआ, क्यों हाथी का बल इसलिए क्षीण हुआ, क्योंकि हाथी की जगह तल है और वह जल है, और जल के अंदर हाथी हमारा, हमारी तभी तत्व प्रधानता है जब हम अपने स्थिति में रहे। इस कारण से हाथी का जो है बल जो है क्षीण होता गया, क्षीण होता गया। तो क्या हुआ, हमारा भी यही हाल है, जब धीरे धीरे जवानी खत्म हुई, खूब आनंद लिए, तो फिर उसके बाद क्या, मगर ले गए उसको सागर में, मगर सरोवर में लेके अंदर ले गए। अब हाथी वापस भाग रहा है, हमारे साथ भी यही हाल है। और बिल्कुल बाल सफेद हुए, बाल सफेद हुए तो क्या, हाथी बाहर आ गया। बाल सफेद हुए तो मगर अंदर ले गया, पर बढ़िया सी डाई कराई, बढ़िया लोरियल गोदरेज की डाई कराई और बना लिए काले बाल, तुरंत हाथी बाहर आ गया। पर फिर क्या, वो फिर दांत टूट गए तो मगर अंदर ले गया। ले
लेकिन बढ़िया डेंटिस्ट के पास बढ़िया पत्ती सी लगा ली तो फिर हाथी घर आ। आप देखिए हाँ, आंखें कमजोर हुई तो मगर अंदर नहीं गया, लेकिन बढ़िया से डॉक्टर के ईएनटी के पास चले गए तो देखा अरे बढ़िया से आंखों में लेंस लगवा लिया सो ये आ गया हाथी भार। लेकिन ये कब तक चलेगा, जब ये इनकी अवस्थाएं पूरी होगी, पर जब मृत्यु आ जाएगी पास में तो ना लेंस काम करेगा ना लोरियल की डाई काम करेगी ना कुछ भी काम नहीं करेगा। मगर अंदर ले गया और हाथी सोच रहा था कि पास में मेरे सारे के सारे हाथियां ये सब हैं, मेरी सहायता करेंगे। जीव भी यही सोचता है, जब खुद का बल खत्म हो जाता है तो पहले परिवार के बल की अपेक्षा करता है। हाथी नहीं आए, बच्चे आए, खींचो, प्रयत्न भी किया, फिर कब पिताजी आप तो मरोगे हमें भी लेकर के डूबोगे, फिर सब चले गए। यही हमारी अवस्था है। फिर क्या हुआ, चले गए, फिर क्या, जब स्मरण में आया, देखिए हाथी पूरा डूबने वाला था अंदर, लेकिन केवल एकमात्र उसकी सूंड रह गई थी। उसी समय हाथी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो भगवती लक्ष्मी ने क्या किया, भगवती लक्ष्मी उड़कर कृष्ण स्वयं की टीका से उड़कर के आई ऊपर। भगवती लक्ष्मी आई है आकाश में और अपना कमल, हस्तक कमल जो भगवती लक्ष्मी के हाथ में था, लक्ष्मी जी के हाथ में जो कमल है उसको फेंका और गजेंद्र की मति से टकराया। जब गजेंद्र की मति से टकराया तो उसने पकड़ा उस कमल को और स्तुति करी। लक्ष्मी गुरु है, कमल रूपी कमल ही सत्संग है। जब गुरु के द्वारा कमल रूपी सत्संग जीव की बुद्धि से टकराता है तब उसको केवल और केवल गुरु भगवान का स्मरण होता है। यही बात हुआ, लक्ष्मी जी ने कमल फेंका, उसकी मति से टकराया, केवल सूंड ऊपर रह गई थी। अप बल तप बल और बाहुबल चौथो है बलदान, सूर किशोर सबन विधि सो हरि हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब समझ गया कि अब कोई नहीं आएगा तो उसने भगवान को पुकारा, यत कश्चनेषु बलिनोऽन्तकोर्गात् प्रचंड वेता धवता मृदूषम भीतं प्रपन्नं परिपादयत् भयान् मृत्यु प्रधावत् चरणं क्वणी वही। जो इस संसार के लय उपस्थिति और संहार के मुख्य कारण हैं, जिनकी कृपा से सारे के सारे सकल दिशाओं में आच्छादित आनंद की दीप्त सराब होता होती है, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। देखिए यहाँ पे एक भी गजेंद्र ने एक बार भी किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, ब्रह्मादिभिर विविध लिंग पिताभिमान, शुकदेव जी लिख रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचे अगर एक बार ये गजेंद्र कह दे कि चतुर्मुख आ जाए तो मैं चला जाऊं। शंकर सोच रहे हैं कि कुछ और नहीं तो ऐसे बोल दे, बस एक बार बोल बम तो मैं पहुंच जाऊंगी, कावड़ी चलते मत करते करते बोल बम बोल बम बोल बम ये कह दे तो ही। जगदम्बा सोची कि एक बार बोल दे भगवती, एक बार बोल दे ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय तो मैं पहुंच जाऊं। गणपति सोच रहे हैं कि एक बार बोल दे, एक बार गजानन बोल दे तो मैं आ जाऊं। तो इसलिए ब्रह्मादिभिर विविध लिंग पिताभिमान, अभिमान के कारण ही कोई भी नहीं आए। लेकिन श्री हरि ने सोचा अब कोई नहीं जाएगा क्योंकि भगवान को ही उसने इनडायरेक्ट पुकारा है, अब जब कोई नहीं तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। भगवान शीश सैया पर पोड़ रहे थे, पर्यंकम विसजन गणानि गणयन भूषा मणिर विस्मरन, नक्ता नोति कदा कदम च निगदत् पद्मा मया लोकयन, निर्गच्छन्तिम परीक्षितम खगपतिम चाप बाणो धरो ग्राहा मस्त मतंग पुंग समुद्धाराय नारायण। जैसे ही भगवान शीश सैया पे पोड़ रहे थे, देखिए विष्णु किसे कहते हैं, आभूषणों प्रिय विष्णु, जिनको आभूषण पहनना बहुत अच्छा लगता है, एक अर्थ विष्णु का वो भी है। लेकिन जब गजराज की पुकार सुनी तो भगवान आभूषण पहनना भूल गए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, खींच ली अपने चरण भगवान ने, अरे छोड़ मेरा भक्त डूबा जा रहा है। पर्यंक से कूद पड़े भगवान, पर्यंकम विसजन गणानि गणयन भूषा मणिर विस्मरन, आभूषण को भूल गए, मणिर विस्मरण कौस्तुभ धारण करना भूल गए। अरे नक्तानोति गदा गदम च निगदत् पद्मा मया लोकयन, गदा हस्त गदाधर भगवान पद्मा के हाथ से चरण को खींच लिया। पर्यंकम विसजन गणानि गणयन, जैसे भगवान ने कहा गरुड़ गाय गरुड़ 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 भूल गरुड़ को, गरुड़ शायद सामने ही था, गरुड़ हरे कृष्णा, गरुड़ सामने
का काम नहीं चलता। भगवान ने कहा गजेंद्र को तो बाद में सुधारूंगा, पहले गरुड़ की बुद्धि को सही करूं। भगवान ने कहा गरुड़ ले तू मेरी उंगली को उड़ा। अब गरुड़ ने सोचा अरे भगवान उंगली को क्या उड़ाऊं आपकी, आप ही बैठो ना आपको ही ले चलता हूं। नहीं तू केवल एक मेरी उंगली को उड़ा। भगवान ने गरुड़ की पृष्ठ भागे तदकित, भगवान ने पृष्ठ भाग पर उसकी उंगली रखी, गरुड़ फड़फड़ाए बिल्कुल उड़ाई नहीं जाए। भगवान बोले अभिमान करते हो मेरे बिना भद्रिलो की नाथ का काम नहीं चलता, अरे तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम मुझे उड़ाओ, अपने दोनों चरणों में बांध करके मैं ही तुम्हें उड़ा देता। इस कारण से भगवान ने कहा गरुड़ का अभिमान हटाया। गरुड़ ने कहा ठीक है अब तो कायल तो हो ही गया मैं, अब तो बैठ जाओ। तो बोले कि ठीक है चल। तो भगवान पहुंचे हैं, जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान ने सुदर्शन लिया है। छेदन कर दिया भगवान ने, तो ब्रज के संत कहते हैं हमें एक बात समझ में नहीं आई, प्रभु ही उबार्यो को उबार्यो जात धाये हैं, ग्राह को उबार्यो है कि गज को उबार्यो है। अरे हमें ये समझ में नहीं आ रहा भगवान ने ग्राह का उद्धार किया कि गज का उद्धार किया, वास्तव में भगवान ने तो दोनों का ही उद्धार किया। इस कारण से गुरु कृपा पदक ये इंद्रदुम्न राजा थे अगस्त ऋषि के शाप से हाथी बने, और जो मगर था वो हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार यावल ऋषि तपस्या कर यावल ऋषि जलांजलि दे रहे थे समुद्र में, तो ये हुहु नाम का गंधर्व जाकर के उनके पैर पकड़ लिए। वे डर गए बिल्कुल क्या क्या हो गया, तो उन्होंने कहा तो ये हंसा हा 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 करके, तो उसने कहा बहुत हंसी आ रही है लोगों को पकड़ने का बहुत शौक है, जा तू ग्राह हो जा। पर उनकी कृपा ने कहा, फिर उन्होंने प्रार्थना करी कहा कोई बात नहीं नारायण ही तेरा उद्धार करेंगे। यही ग्राह और गज में आया। इसलिए भगवान गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त आशीष वचनों से कृपा से ही भगवान के द्वारा की हुई स्तुति से भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। जैसे प्रहलाद जी के टाइम में द्रौपदी के टाइम में प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो हिरण्यकश्यप विदारो सुध भूली तन की, द्रौपदी ने तेरी अब आओ गिर धारी अरे मुको आस है तिहारी और जाऊं काके द्वार, सुनी देर नहीं करी देर मैंने वैकुंठ भू बिसरायो अरे तुरंत ही चीर बढ़ायो, भगतन ने मुको नाना भांति नचायो, भगतन ने मुको नाना भांति नचायो। ये सभी के सभी शब्द मेरे गुरुदेव भगवान गुरुदेव के दिए हुए सारे के सारे, ये सब मैंने अपने गुरुदेव से ही पढ़ा है, इसलिए यदि इसमें कुछ त्रुटि है तो वह मेरा दोष है, पर ये सब मेरे गुरुदेव ने ही पढ़ा है मुझे, सब गुरुदेव ने ही पढ़ा है मुझे। बार बार गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। वाणी को कीर्तन भैया हिम्मत भैया बढ़िया से वो दिया जाएगा बाद में कीर्तन बाद में। Yeah.
Thank you.
संतों का दर्शन हो जाए समझना हमारी कथा धन्य हो गया। इसलिए जिस समय द्वारका में भगवान स्वयं वसुदेव देवकी कृष्ण बलराम बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे, जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ, गैया की घी और चंदन की लकड़ी और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा कर रहे थे। ठीक बीच में जब श्री नारद जी आए ना, वसुदेव महाराज कृष्ण खड़े होकर बोले यज्ञ बंद करो, यज्ञ करने का जरूरत नहीं, क्यों यज्ञ का जो फल है वो मूर्तिमान रूप में यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए जिस सिंहासन में भगवान स्वयं बैठते हैं उसमें श्री नारद जी को बैठाए। ठाकुर जी वसुदेव महाराज नारद जी की चरण अभिषेक करके चरणामृत लिया, वो चरणामृत को संपूर्ण द्वारका में उन्होंने छिड़काव करवाया, हमारे देश का कल्याण हो। तो उसी समय में उनके चरण में बैठ करके कहते हैं बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। बोले एक तो दुर्लभ है ये मानव जीवन है और उसमें भी दुर्लभ है भक्तों का दर्शन है। ठाकुर का दर्शन तो रोज हम कर रहे हैं लेकिन ठाकुर थोड़ी हमसे भी बात करते हैं, ठाकुर जी थोड़ी कुछ बोलते हैं हमसे, कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कौन, ये संत भगवान बोलते हैं। इसलिए कहता अति हरि कृपा जा पर वही पाप दे संगत सोई। शंकर जी कहते पार्वती जब तक भगवान की कोई कृपा नहीं हो तब तक जीवन में संत नहीं मिलते हैं। बोले जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भगवत कृपा भी नहीं होता है, भगवान नहीं मिलते हैं।
इसलिए ध्रुव जी को भगवत दर्शन होने पर भी जब ठाकुर जी बोले वर मांगो वो क्या कहता है, बोले भक्ति मोह प्रभवताम तो प्रसंग ए प्रभु संतों का संग दो। ठाकुर जी कहते मेरा तो दर्शन हो गया, तू संत संग क्यों मांग रहे हो? बोले ठाकुर जी आप थोड़ी आपकी कथा सुनाओगे, कथा तो संतों को सुनाएंगे। इसलिए जो आप मुझे मिले हो वो नारद जी की कृपा से ही मिले हैं। जब जीवन में संतों का दर्शन हो जाए समझना हम सब कुछ सार्थकता हो गया। इसलिए हमारे श्री बद महाराज कृपा करके आए, अब इनके लिए जोरदार ताल बजा। सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्भवन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं व्यासाश्रम नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर सुंदर भागवत सप्ताह की कथा चल रही है, बहुत सुंदर रूप में आनंद उत्सव भी चल रही है। मैं तो केवल दर्शन करने के लिए आया था, देख मैं कभी इस मंदिर में आया नहीं, मुझे अभी तो भी पता नहीं है मंदिर किस तरह, मैंने पूछा अभी तो केवल डायरेक्ट मैं यहाँ पर आके अपराध हो गया तो क्षमा करें,
किंतु लोग दाद देखा तो पीछे तरफ लोग भरी हुई है, कहाँ मंदिर है क्या है। फिर महाराज जी ने बोले पीछे मंदिर है, वो दूर है। चलो कथा में तो दो शब्द ही बोलता हूँ, मेरे तो आता ही बोलना आता ही नहीं है। तथापि महाराज जी ने बहुत आग्रह किया मुझे, बोले जी आप आइए। बोले ठीक है आता हूँ। यहाँ पर पूर्वोत्तरी वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में नरसिंह देव की अवतार की बारे में भी श्रवण कराया। विशेष करके जहाँ तक मैंने श्रवण किया गजक ग्रह की उपाख्यान अत्यंत सुंदर सुंदर रूप में आप लोग के निकट परिवेशन किया, बहुत आनंद। महाराज ने मुझे आदेश दिया थोड़ी दो शब्द जो है बलि महाराज के बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें, तो मैं कहाँ बोल पाऊँ। लेकिन मैं तो एक तो मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, ये अपने को हिंदी चौपाई दे करके आप लोग के मन को मैं जीत लूँ ये मेरा संभव नहीं है। तथापि दो एक शब्द के द्वारा ही मैं निवेदन करता हूँ। गुरुपाद गुरु के चरण कमल में देखो नृसिंहदेव प्रकट हुए और नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप को भी मार डाला। इसके पश्चात जो है प्रहलाद महाराज के भी वरद दिया। ये सब बहुत सुंदर उपाख्यान भी शास्त्र में वर्णन है। भक्त के ऐसे हम लोग ज्यादा रूप हम लोग देखते हैं जी, किसी को पिता भक्त हो तो उनके पुत्र भक्त होना चाहिए, और पिता यदि पुत्र यदि भक्त हो फिर उनके आगे पीढ़ियां जाकर के भक्त हो, यही हम सुनते रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में इस संदर्भ में कुछ क्रम अलग दिखाई पड़ता रहता है। हिरण्यकश्यप असुर थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद भक्त बने, और प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। विरोचन भक्त नहीं थे, विरोचन भक्त कोटि में नहीं आता है, और उनके पुत्र हुए विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। बलि महाराज के पर भगवान की ऐसी कृपा हुई बहुत। ये समस्त जो कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं, क्योंकि ये समस्त कथाओं के द्वारा स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के दर्शन कराते हैं। ये देखो ये किस प्रकार भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। नित्य धाम से ही भगवान इस जगत में ही प्रकट होते हैं। अनुग्रह भक्तानंग मानुषं देवाश्रितं भजते तादृश क्रिया जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के इस श्लोकों के द्वारा स्थापित करते हैं ये भगवान नित्य कुल वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ अपने धाम के साथ इस जगत में प्रकट कराते हैं। उस कथा यदि कोई श्रवण करे कीर्तन करे स्मरण करे और उसमें अभिष्ट हो जाए वो धाम को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भगवान के सारे अवतारों की कथा जो अति मधुर है, कौन से कथा मधुर नहीं, सभी कथा मधुर मधुरी है। तथापि कृष्ण की कथा जो होती सुंदर इसमें वर्णन किया गया। अभी हम जो कथा वर्णन करने के जा रहे हैं ये वामन देव की अवतार की कथा हम वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। इसकी पृष्ठ देश में ऐसे वर्णन है, सप्त युग में प्रश्नी और सुतपा ये लोग ने बहुत कठोर तपस्या आदि की, भगवान नारायण की कठोर तपस्या की। नारायण प्रसन्न होकर के बोले ब्रह्मपुरी बर मांगो, तो उस समय प्रश्नी और सुतपा भगवान के निकट यह प्रार्थना की आपके भांति मेरे एक पुत्र प्राप्ति हो। तो उस समय भगवान ने कहा जी मेरे भांति ऐसे संभव नहीं है, एक अहम मैं एक ही हूं, मेरे बराबर कोई संभव नहीं है। तथापि भगवान कहने लगे ये पृष्टि और सुतपा आपने जो कठोर तपस्या की इसके फल व्यर्थ नहीं है, मैं आपके तीन जन्म ही पुत्र होकर के मैं रहूंगा,
और तीन ही जन्म आप लोग भी स्मरण में करा दूंगा। इसी का इसी प्रकार से भगवान कृष्ण और सुतवा को वरदान दिया। और पहली जो है कल्प में कहा जाता है स्वयं भगवान कृष्ण और सुतवा के जो पुत्र होकर जन्म ग्रहण किया उसके नाम था कृष्ण गर्भा कहा जाता है। इसके पश्चात जिस स्वयं भगवान फिर वामन देव के रूप में प्रकट हुए उसमें वह कृष्ण और सुतवा वह दोनों ही जो है कश्यप और अदिति के रूप में प्रकट हुए। ये कश्यप और अदिति और कोई नहीं। इसी प्रकार वर्णन करते हैं तीसरी जन्म में जो है फिर वही कृष्ण और सुतपा देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट हुए। उस समय स्वयं भगवान वासुदेव के रूप में ही प्रकट हुए और उस समय स्वयं भगवान भी उस समय भी कंस के कारागार में प्रकट होकर के और उनके ये समस्त जो है कथा बताया। इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। अभी बलि महाराज जी की कथा हम वर्णन करते जा रहे हैं। ये काल काल में समय के अनुसार सब कुछ होता है। कभी असुर लोग बहुत बलशाली हो जाते हैं और कभी देवता लोग जो है बलशाली हो जाते हैं। इसलिए असुर और देवता में ये हर समय जो है युद्ध चलते ही रहते हैं। हमारे आचार्य पाद कहते हैं असुर कौन है और देवता कौन है। दो भूत स्वर्गलों के उसमें दैव आसुर एवच विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर विपर्य। पद्म पुराण में भी इसके वर्णन है। असुर और देवता के बारे में कहते हैं ये जो भगवान के भजन करते हैं उसे भी कहा जाता है देवता कहा जाता है और जो भगवत विमुख हो जाता है भगवान के भजन नहीं करता है उसी की कहा जाता है असुर कहा जाता है। इसे दो भूत स्वर्गलो के उसमें दैव आसुर एवच विष्णु भक्त भगवान के भक्त होते हैं उसी की देवता कहा जाता है। हम लोग जब भी सुनते हैं जे स्वर्ग आदि देवता आदि रहते हैं इंद्र आदि देवता के बारे में सुनते हैं किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये समस्त एक पोस्ट मात्र है। जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जब कोई व्यक्ति वही प्रधानमंत्री के पद को जो है प्राप्त करते हैं तब उसके हम लोग प्रधानमंत्री कह करके उनके नाम के साथ प्रधानमंत्री नाम ले करके हम उसके सम्मान आदि करते हैं। उसी प्रकार कोई जीव जब ऐसे शुभ कर्म आदि करते हैं अनेक बोलो वृंदावन तो उसी प्रकार जीव साधन भजन करते करते ऐसे जब स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं स्वर्ग आदि के अनेक पद को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म पद आदि प्राप्त कर लेते हैं, शिव पद आदि प्राप्त कर लेते हैं। इसके विवरण हमारे आचार्य पाद विशेष करके स्वरूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम ग्रंथ में ये समस्त जो है वर्णन किया गया। ये किस प्रकार कौन कैसे प्रकार वो स्थान को प्राप्त आदि करते रहते हैं और जिस समय जैसे कहते हैं देखो ब्रह्म पद आदि प्राप्त करेंगे जो लोग वर्णाश्रम धर्म 100 साल 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर वो ब्रह्म पद के प्राप्त कर लेते माने ब्रह्मा जी के पद के प्राप्त कर लेते हैं। जिस कल्प में ऐसे संभव नहीं होता है तब स्वयं भगवान वो पद को जो है संभालते हैं। इसलिए ब्रह्मा भी दो प्रकार होता है, एक कहा जाता है एक वैराज ब्रह्मा कहा जाता है वो जीव तत्व होता है और एक होता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। जब कोई ऐसे जीव प्राप्त नहीं होता है स्वयं भगवान वह पद के अनुष्ठित होकर आरूढ़ होकर के कार्य आदि सृष्टि कार्य आदि करते हैं तो उसी ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है।
इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद आदि शास्त्र में वर्णन किया। यहाँ पर जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये बोली महाराज की उपाख्यान है। जब ये बोली महाराज अत्यंत प्रभावशाली थे और प्रभाव के स्वर्ग मर्त आदि पाताल आदि लोगों के ये प्राप्त कर जीत लिया, उस समय देवता लोग अपने देव स्थान को यानी स्वर्ग लोक के छोड़ करके इधर उधर घूमने लगे। इसको देख करके देव माता अदिति उन्होंने कश्यप ऋषि के निकट प्रार्थना की, तब कश्यप ऋषि से कृपा से भगवान वामन देव जो है प्रकट हुए। वामन देव की प्रकट की इस बार जो है उस समय बोली महाराज बहुत धार्मिक थे, यज्ञ आदि करते थे और उस यज्ञ में दान पुण्य आदि करते थे। इसलिए यज्ञ की पहले बोली महाराज जब दान पुण्य आदि करने लगे उस समय स्वयं भगवान वामन देव उस यज्ञ स्थल में आने लगे। उस समय भी सुंदर चित्र अंकन करके हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं कितने सुंदर वामन देव की ऐसे सुंदर रूप था जिस रूप के दर्शन करके सभी मोहित हो गए। और देख रहे उस समय जब बोली महाराज के पुत्री रत्नमाला व रत्नावली का और वामन देव भगवान को दर्शन करके इतने मोहित हो गए, मन मन चिंतन करने लगे यदि मेरे पुत्र यदि इनको यदि मैं पुत्र हूं इनके पुत्र के रूप में मैं क्या करते ना अपने स्तन पान कराते। ऐसे वात्सल्य भाव उनके हृदय में उद्रेक भाव प्रकट हुई और उस समय स्वयं भगवान वामन देव भी मन ही मन उनके बल दे दिया, ये देखो भाई अति अवश्य ही तुम्हारे जो है स्तन मैं पान करूंगा। क्यों भगवान के दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। और इसमें भी वर्णन है भगवान का हृदय वंशा कल्पतरु है, जो जैसे इच्छा लेकर के भगवान निकट आते हैं व प्रार्थना करते हैं भगवान के सारी इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो इसके बाद जब वामन देव भगवान जब आए बलि महाराज के निकट इतने कहने लगे मुझे त्रिपाद भूमि चाहिए, उस समय बलि महाराज हंसने लगे, अहो देखो मैं राजा हूं, राजा के पास आकर के कोई यदि एक काशी फल मांगे, काशी फल जानते कुमरा कुमरा कोई मांगे तो ये हंसी के बाद होता है। हम लोग के बंगाल में सबसे निकृष्ट फल जिसको कहा जाता है बस सब्जी कहा जाता है ये काशी फल है, माने काशी फल जो है कुमरा कुमरा जो है बहुत सस्ते में मिल जाता है। उस समय हम लोग भी देखा बाजार में उसके बेचना बहुत कठिन था, ये कि जहां तहां ये अपने आप उग जाता है और वहीं पर फल हो जाता है। इसमें बंगाल में एक बात कहा जाता है बोले आसी मन कोई यदि कुमरा खाए काशी फल खाए उसके शरीर में एक बूंद खून आता है, माने काशी फल की इतना माने माना जाता है माने कोई मूल्य ही नहीं है उसके कहा जाता है। तो उसी प्रकार बलि महाराज कहने लगे आप जैसे छोटा हो आपकी बुद्धि भी उसी प्रकार है, अरे राजा के पास आए हैं मांगो तो क्या मांगना चाहिए, एक गांव मांग लो, सोना मांग सोने दाने हीरे महक जहरत मांग लो और नहीं तो मांगा क्या बस त्रिपाद हूं। वो भी संग भगवान वामन देव ने कहा मैं अपने छोटे पैर के द्वारा त्रिपाद हुई मांग लो ज्यादा नहीं, तीन ये होता त्रिपाद, तीन माने त्री माने तीन, तीन पाद अर्थात एक दो ऐसे तीन पाद में मांग लूंगा और अधिक नहीं चाहिए। इसके पश्चात वामन देव भगवान कहने लगे ठीक है आप मुझे देना चाहते हो पहले आपकी क्या कीजिए आसमन कर लीजिए। देखो उस समय उनकी सभा में शुक्राचार्य उनके गुरु बलि महाराज के गुरु कौन है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य समझ गए ये तो छलिया ये कोई नहीं है साधारण दिखाई पड़ते कि स्वयं भगवान विष्णु आए हैं और उनके बोली महाराज के समझाने लगे ये देखो ये तुम्हारे सब कुछ हरण कर लेंगे
किंतु उस समय भगवान उस समय वामन देव बलि महाराज कहने लगे, अहो मेरे कैसे सौभाग्य है, अनंत कड़ी विश्व ब्रह्मांड के जनक सिंह भगवान आज हमारे पास आए हैं झोला फैला करके है भिखारी महाप्रभु, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या। देखो बलि महाराज के किस प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं, इसलिए कहा से इस उपनिषद में कहा जाता है ईशावश्य सर्वमिदं यत्किंचितं जगतं जगत तेने तत्ता अभिजिता मागृत कष्ट सिद्धनम। ये जगत जो कुछ भी देख रहे सब भगवान की, हम कुछ लेकर के आए, क्या लेकर तू आया आर के, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बंद के आया तू हाथ पसार के जाएगा, कंचन काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। महाराज जी सुंदर सब कथा सुनाते रहते हैं, क्योंकि मैं उतने सब ये सब कथा में हमें मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये लोग भागवत करते हैं लोगों की बहुत सुंदर रूप में रिझाते हैं, श्रोता बहुत आनंद में झूम करके नाचती ही है। हमें तो सरल सरल रूप में जैसे गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया और जैसे टिकाऊ में हमारे गोस्वामी वर्ग जैसे वर्णन किया सनातन गोस्वामी पाद से लेकर लेकर के जीव गोस्वामी पाद के टीका में जैसे साधारण रूप में वर्णन किया, मैं वही बता रहा हूँ। इसलिए वास्तव रूप में यही है जी, इस जगत में यही होता है जी, क्या चेंज कर क्या वस्तु हम लेकर के जाइए, क्योंकि वास्तव रूप में भक्ति राज्य में किसी के प्रवेश करना है तो ज्ञान वैराग्य की जरूरत है, क्योंकि अगर फिर हमारे शास्त्र आचार्य पाद कहते हैं किसके हृदय में भक्ति हो जाए तो स्वाभाविक रूप में ज्ञान वैराग्य हो जाए, ज्ञान वैराग्य के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई साधारण रूप में भक्ति करे, भक्ति के स्वाभाविक क्रिया ही है, अपने आप वो ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने भागवत महात्मा की श्रवण किया, भक्ति देवी के जो दो पुत्र जो है एक ज्ञान और एक वैराग्य, क्यों किसी के हृदय में यदि भक्ति देवी हो स्वाभाविक रूप में उनके दो पुत्र अपने आप ही जन्म ले लेंगे, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ज्ञान क्या हो जाता है, मन भक्त तत्व युक्त ज्ञान अपने आप हो जाता है, तत्पदार्थ ज्ञान तम पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञानी इसको कहा जाता है अद्वैतवादी के ज्ञान अथवा शंकर फिलोसफी के, इस ज्ञान को शास्त्रकार ने कहा त्याग देना चाहिए। और दो प्रकार की जो ज्ञान रह गया तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान, तत्पदार्थ ज्ञान ये भगवत तत्व ज्ञान जो अपने आप हो, और दूसरी क्या है तम पदार्थ ज्ञान के तात्पर्य जो है आत्मज्ञान, ये दोनों विषय अपने आप ही होगा, इसे भक्ति अनुशीलन करने पर ये स्वाभाविक रूप में हो जाएगा। इसलिए बलि महाराज के जो दिखा रहे हैं कर्म यज्ञ आदि दान पुण्य आदि जो दर्शन दिखा रहे हैं ये कर्मकांड के कर्मकांड ही कहा जाता है इसको, इसलिए कहते कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विशेष भंड भंड अमृत बोलिया जी खाए कदर जो भक्षण करे नाना जनी भरे भूमि मजे तार जन नरक है। इसलिए कर्मकांड और ज्ञानकांड के द्वारा जीव धीरे धीरे ऐसे दूर चले जाते हैं, भक्ति जो है उनके हृदय में क्या हो जाता है बिल्कुल अभिधनी ढक जाता है। इसलिए कर्मकांड और ज्ञानकांड के त्याग दे करके एकमात्र शुद्ध भक्ति का हमें आश्रय करना चाहिए, किंतु इसलिए भगवान इसी प्रकार दिखा रहे हैं जो बलि महाराज को दिखा रहे हैं, ये यज्ञ आदि जो दिखाते जा रहे हैं इसके द्वारा क्या होता है हमारे भक्ति देवी जो है धीरे धीरे अच्छन्न हो जाता है, और भक्ति यदि हृदय प्रकाशित नहीं हो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। भक्ति रेव नहति भक्ति रेव दर्शयति भक्ति वश पुरुष हो, भक्ति रेव नहति भक्ति भगवान के निकट ले लेकर के जाते हैं, भक्ति के द्वारा हम भगवान की जय दर्शन कर सकते हैं, इस समस्त पुराण में शास्त्र की पुराण का प्रमाण देते हैं। इसलिए बोली महाराज के उपाख्यान के दिखा रहे हैं ये दान पुण्य यज्ञ आदि जो है ये अधिकांश रूप में सब कर्म कांड में लिया जाता है, किंतु देखो यही भक्ति के यही दान पुण्य आदि यदि भक्ति भक्त के लिए दिया जाए तो वो भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। तो ये समझते हैं जब उस समय वामन देव भगवान जब कहने लगे जब बोली शुक्राचार्य जब कहने लगे ये तुम्हारे सारे संपत्ति के लिए जाए
तो उस समय बामन देव, उस समय बलि महाराज जी तो कहा ये अच्छी बात है, भगवान के वस्तु भगवान ने दिया है और भगवान क्या हम अर्पित करें, इससे दोष क्या है। किंतु तथापि उन्होंने किया कि अपने शिष्य के बोले नहीं देना नहीं चाहिए। उन्होंने किया कि जब बामन देव भगवान बलि महाराज जी के बोले आप देना चाहते हो आप मुझे क्या करो आचमन करो, आचमन करने के लिए बैठे वो गंगा सागर उधर उसे पानी डाल दिए पानी नहीं आ रहे। तो बामन देव भगवान समझ गए उनके गुरु कैसे है, इसी के कहा जाता है असद गुरु। वो जो बल से उसमें जो उसके छेद जो होता है गंगा सागर छेद होता है उसमें जाकर के प्रवेश किया और सिर्फ पानी नहीं निकल रहे। शुक्राचार्य उसमें जाकर के बंद कर दिए पानी नहीं आ रहा। उस समय बामन देव भगवान ने कहा ये देखो हो सकता है कोई अंदर में कोई कमल के पत्ता हो कुछ अटक गया इसलिए पानी नहीं आ रहे। इसलिए कहते हैं ये सीख लेकर के झाड़ू का एक सीख होता है ना ये सीख सीख लेकर के उल्टी तरफ यहाँ पर घुसा। देखो वहां पर घुसा देखा तो खून के धार आने लगे अर्थात वो शुक्राचार्य के आंख में लगे और आंख लग से आंख फट फट के फूट गया और रक्त की जो धार पड़ने लगी और उस समय वो भाग गए। इसलिए कहा जाता है शुक्राचार्य के कहा जाता है काना शुक्राचार्य कहा जाता है। तो इसके बाद जब आचमन किया आचमन करके जब देने लगे यहाँ पर यह हमारे आचार्य जो बात कहते हैं एक सदगुरु होता है एक असदगुरु होता है। असदगुरु किसको कहा जाता है सदगुरु किसको कहा जाता है तस्मान गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रोक्तमं शब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणोपश्रमाश्रम। गुरु के भी लक्षण होता है सदगुरु के लक्षण क्या होता है बोलो वामदेव भगवान की जय जय श्री तो उसमें सदगुरु के लक्षण और असदगुरु के लक्षण हमारे आचार्य पाद कहते हैं वो गुरु गुरु नहीं है। जो गुरु हमें कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते हैं वो गुरु न गुरु न साथ सजनों न साथ वो सदगुरु नहीं है। जो हमें गुरु जो सद्धा भक्ति हृदय में प्रकट नहीं कराते हैं वो माता पिता नहीं है। जो माता पिता हमें भगवत भक्ति नहीं दे सकते सही से परम गुरु सही परम सही से परम गुरु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता। हमारे चैतन्य 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 भागवत में ये वर्णन करते हैं वो यथार्थ गुरु है वो यथार्थ में सजन है जो मुझे कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा अनेर तनयाने रजत कंचन आमियानि दिव मागो कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु ने कहा सुची माता को मां इस संसार के लोग धन उपार्जन करके विद्या आदि उपार्जन करके अनेक धन लेकर के आते हैं किंतु महाप्रभु ने कहा मां मैं आपको कृष्ण प्रेम धन प्रदान करूंगा। इसलिए उसी प्रकार कहते हैं यथार्थ तो गुरु वही होता है जो गुरु हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए बोली बोली मां वो गुरु गुरु नहीं है असद गुरु कहा जाता है। गुरवो भवो संति सित संति विसित सवित्त पहार का सद्गुरु संतवो सद्गुरु दुर्लभो देवी शिष्य संत पहार सैंग शिव जी देवी पार्वती के भी कहते हैं दुर्लभो ये दुर्लभ है सद्गुरु वास्तव ये दुर्लभ है। जो असद्गुरु जाए इस संसार में वस्तु दे करके उसके वंचित कर दे और सद्गुरु जो है वास्तव में उसको कहते कृष्ण प्रेम देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुवो बहवो संति इस संसार में अनेक गुरु है वो गुरु कहते हैं शिष्य के जो है धन को अपहरण करके अपने सुख भोग में लगाते हैं और सदगुरु किसको कहा जाता है जो सदगुरु शिष्य के संपत्ति समस्त संपत्ति के जो है भगवत सेवा में लगाते हैं। जो भगवत सेवा में लगते नहीं है वो बेकार कहा जाता है। इसलिए इसी प्रकार सुन करके देखो उस समय बलि महाराज ने क्या की अपने गुरु शुक्राचार्य के त्याग दे दिया। इसलिए कहा जाता है जो गुरु असद गुरु है असद गुरु को त्याग देना चाहिए। जो गुरु केवल भोग विलास में मत रहता है और उस गुरु को त्याग देना चाहिए। इसलिए बलि महाराज ने क्या की शुक्राचार्य के त्याग दे दिया
और भगवान वामन देव के निकट आप फिर आचमन करके उनके बोले आप अपने त्रिपाद भूमि आप मान लो। उस समय वामन देव भगवान ने देखो एक पैर के द्वारा सब पृथ्वी लोक के जो है नाप लिया और दूसरी पैर के द्वारा उस उन्होंने क्या कि स्वर्ग लोक भी नाप लिया। यहाँ तक भी हमारे शास्त्रकार वर्णन करते हैं स्वयं भगवान वामन देव के चरण कमल जो है स्वर्ग लोक से ऊपर जाकर ब्रह्म कटाक्ष भी स्पर्श किया। उस समय स्वयं ब्रह्मा जी सप्तलोक में ब्रह्मा जी उस चरण कमल के धोकर के अपने कमंडल में रख लिया। उसी जब वामन देव भगवान के चरणामृत कहा जाता है जिसके जब परवर्ती काल में सगर महाराज के वंश में भगीरथ प्रकट हुए और भगीरथ बहुत कठोर तपस्या आदि करके फिर वही कमंड ब्रह्मा जी के कमंड से एक बूंद जो है जल के जो है इस दरादा में प्रकट कराया जिसके गंगा नाम से परिचित है। स्वर्ग में मंदाकिनी कहा जाता है, भूलोक में जो पृथ्वी लोक के गंगा और नीचे के लोक में जो है उसके कहा जाता है भगवती कहा जाता है। भागीरथ यानी भगीरथ के नाम से भागीरथी नाम से भी परिचित है। इसी प्रकार शास्त्र में वर्णन किया गया है और ये बलि महाराज की जो और तीसरी कहानी हमें तीसरी पैर कहाँ रखूं। देखो उस समय जब तीसरी पैर जब हम निकालने लगे और तीसरी पैर के बलि महाराज ये विचार करने लगे मैं सब कुछ तो भगवान को दिया किंतु अपने को नहीं दिया। उन्हें कहिए प्रभु आप कैसे देव दुर्लभ जो चरण कमल मेरे सिर पर रखिए। उस समय भगवान वामन देव ने क्या की उसके उनके सिर पर चरण रख करके उनको सुतल लोक में प्रवेश कराया। उसमें बहुत विस्तृत वर्णन है यह तक भी ना इस बार में क्या कि पास में वरुण पास में उसको भी बांध दिया था। इसमें तो बहुत विस्तृत विवरण है महाराज भी बात करेंगे। अब जब बलि महाराज को जब सब कुछ ले लिया तो वही रत्नमाला उनके बेटी रत्नमाला बिचारे कैसे धूर्त है मैं इनको देख करके पैर में सोचा जो हो ऐसे सुंदर बालक उसके मैं स्तन पान कराऊं किंतु ये धूर्त है कपट है किंतु उसको मैं क्या करूं मेरे स्तन में कालकूट विष लगाकर इसको मैं मारूं। उस समय भगवान वामन देव भी उनकी मानी मानी यही कह दिया देखो मैं भगवान हूं मुझे तो मार नहीं सकते किंतु यदि अवश्य ही तुम्हारे स्तन में पान करूंगा। वही रत्नावली कृष्ण के लीला में पुतना बन करके आई और ये समस्त जो बहुत सुंदर कथाएं जो है पुतना मोक्षण लीला आदि कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। मैं यह पर अपने वक्त के विराम देता हूँ। वंशा कृपा मुझे भक्ति वेदांत पद महाराज की जय गुरुपाद पद्म की जय गौर ब्रह्मानंद की। टाइम हो गया जल्दी जल्दी हम कृष्ण जन्म कर लेते हैं ठीक है। 10 मिनट के अंदर में हम कथा को विश्राम दे देंगे। माइक दे बल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। बल कथितो वंश विस्तार भवता सोम सुर जयो राज्ञाम च भयवंशानाम चरितम परमाद्भुतम। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की मधुर लीला बताने जा रहे हैं लेकिन उन्होंने किया कि जब उन्होंने लीला बताने जा रहे थे उनके हृदय में संपूर्ण कृष्ण लीला हृदय में प्रकट हो गया। जैसे श्री अगस्त मुनि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया था इसलिए सजा कर लिया था इसलिए प्रभु जी जब सच दस करके आना इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक बोल करके संपूर्ण कृष्ण कथा को बोल दिए और उन्होंने बोल दिया बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पीछे पीछे माता है चुपचाप बैठे हो अरे भगवान जन्म होने वाले जो से जयकार दो तो कब से कब बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब उन्होंने इतना बोल दी अभी प्रश्न आता है सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में उन्होंने किया कि कैसे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए
और उन्होंने कैसे वसुदेव महाराज गोकुल में लाए और गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर कैसे पुतना अघासुर बकासुर कुमारे उन्होंने कालिया दमन की, गिरिराज उठाए रास लीला की, मथुरा में कंस को उद्धार की और द्वारका में जाकर के उन्होंने 16108 पटरानियों से शादी की। हर रानियों से 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई और ऋषि मुनियों को पास से उन्होंने अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में उन्होंने अपना नित्य धाम को चली गई। और इतना बोल करके उन्होंने बास कथा को चुप कर दिया। बोले उन्होंने एक श्लोक में पूरी कथा क्यों सुनाई? बोले कारण है, एक उदाहरण दिया, जैसे जेठ की महीना की धूप हो, बड़ी गर्मी से कोई आ रहा है, तप रहा है, लेकिन उसको एक ग्लास किसी ने जूस दे देगा, अब क्या करोगे? बोलो एक साथ में ढक ढक करके पूरा पूरा पी लोगे। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की निकुंज महल में रहने वाले, जिसको राधा रानी स्वयं इनकी चुंबन करती थी, इसलिए ये भी यही चाह रहे थे कब दशम स्कंद शुरू हो, कब कृष्ण कथा आए और जी भर करके हम कृष्ण कथा सुनाए। लेकिन जब दशम स्कंद आए ना, पूरा उन्हें कृष्ण लीला उनका हृदय में उतर गया और उन्हें पूरा एक श्लोक में पूरी की पूरी उन्होंने कृष्ण कथा सुना करके बास उन्होंने बोले बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जयकार देकर चुप हो गए। परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया? बोले हो गया ना, सारे कथा तो सुना दिया, कृष्ण कैसे जन्म हुए, मथुरा गए, द्वारका गए, शादी हुई, सब कुछ तो सुना दिया। बोले प्रभु कृष्ण मेरे कुल देवता, जब मैं माँ की पेट में था, उत्तरा की गर्भ में अश्वस्तमा ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था, उसी समय कृष्ण ने ही गर्भ में प्रवेश करते हुए मेरे को उन्होंने रखा कि कृष्ण मेरे कुल देवता है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हूँ। लेकिन आप तो अगस्त मुनि जैसे एक चूल भर में पूरा समुद्र को पान कर लिए, आप तो पूरा का पूरा कृष्ण कथा सुना दिए, मेरे को आनंद नहीं मिला। मैं तो चाहता हूँ एकदम जी भर कर के कृष्ण कथा सुने। परीक्षित महाराज बोले आप चार चार दिन हो गया एक बूंद पानी भी नहीं पिए, थोड़ा पानी तो पी लो। बोले पानी के लिए जितना गड़बड़ी हुई, मैंने पानी मांगने के लिए ऋषि को गया, ऋषि ने पानी नहीं दिया तो मैंने गले में मरा हुआ सर्प को डाला और उनको बेटा अभी साहब पानी वजह से इतना गड़बड़ी हुई। भैया पानी की बात मत करो, आपकी मुखार बिंद को दर्शन करते हुए कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बह रही है उसी में स्नान करते हुए मैं आनंद ले रहा हूँ। अब कथा को बंद मत किया करो, कथा बंद करते ही प्यासा लगने लग जाएगी। देखो पहले जो कथा हुई ना, हम जैसे 3 घंटा बैठ गए, ऐसे नहीं 3 घंटा कोई बैठ जाए ना बोले कब खत्म हो, अभी तक कोई खत्म नहीं हो रही। लेकिन पहले जो कथा हुई ना, पूरा का पूरा 7 दिन तक कोई पेशाब नहीं, कोई पायखाना नहीं, कोई पानी पीला नहीं, एक साथ में बैठ करके 7-7 दिन तक कथा को वहां पर श्रवण किया है। इसलिए बोले आप कथा को बंद मत किया करो। फिर जब प्रसन्न हो गए बोले मैं तो यही चाह रहा था जी, तू सचमुच से सुन रहे हो ना, चुपचाप तू बैठा हुआ हो, इसको सुन करके प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने श्री दशम स्कंध की कथा को उन्होंने शुरुआत की। बोले कथितो वंश विस्तार भवता सोम सुर्जयो राज्ञां चोभय वंशाना चरितं परमाद्भुतं। भागवत में दो वंशावली की कथा आती है, एक सूर्य वंश में भगवान राम जन्म हुए, बोले श्री सियावर राम चंद्र की, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। यद्यपि ये दोनों वंश में बहुत बड़े बड़े पराक्रमी राजा आए, लेकिन भगवान राम की जितने मीठी कथा, भगवान कृष्ण की जितने मीठी कथा है ना, और इतने सुंदर कथा जिसकी है नहीं। तो उन्हें वर्णना करते हैं कैसे भगवान संतुष्ट होकर के जदोस्त धर्मशीलस्य
जदुवंश में आए। बोले जदुवंश में क्यों आए? कथा बड़ी लंबी कथा है, क्योंकि जदु ने ही उनको पिता दी जजाति जब उनको जवानी को मांगे और उसको माँ को साथ में भोग करने के लिए। बोले नहीं, अगर आप भगवान की भजन के लिए अगर मांगते ना, ये जीवन को हम जवानी दे देते। फिर वो माँ, फिर मेरी जवानी लेकर माँ को साथ में भोग करोगे, कितने पाप है। और ये जीवन भगवान ने दिया भजन के लिए दिया। अरे जीवन पाकर भजन करना, अब विषय भोग के लिए क्यों मांग रहे हो? बोले नहीं, नहीं दूंगा। जजाति महाराज अभिशाप दे दिया। बोले तेरे को अभिशाप देता हूँ, तेरे वंश में कोई भी राजपद में नहीं बैठ सकते। बोले अयम अस्तु, लेकिन छोटा बेटा पूर्ण ने दिया है। बोले राजगति तुम भोग करोगे। लेकिन भगवान देखो कितने दयालु, कितने कृपालु। बोले मेरे भजन के लिए तुमने राज्य को भी त्याग दे दिया, बड़ा बेटे को ही राज सिंहासन मिलता है, लेकिन मेरी भक्ति के लिए त्याग दिया। एक दिन मैं तेरे वंश में ही आऊंगा। इसलिए भगवान श्री जदुवंश में ही ठाकुर जी अवतीर्ण होते हैं, इसलिए भगवान को जादव कहते हैं। इसलिए जिस समय यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते कृष्ण कथा कितने मधुर है, बोले निवृत तस्सई रूपगीय मानात भव औषध छत्र मनोविरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यते बिना पसुखनात। बोले भगवान की जो कथाएं कहते जो आत्मा में रमण करने वाले जैसे सुखदेव गोस्वामी चतुसन ब्रह्म ज्ञानी भी कि जब भगवान की कथा सुनते हैं, बोले कुर्बन अहितु की भक्ति इथम भूत गुणारे। भगवान की हरि की कथा में इतने मधुर है, वो सारे ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अगर कोई भवसागर से पार होना चाहता तो क्या करो? बोले भगवान की कथा सबसे मीठी दवा है। बोले औषधि, बोले औषधि तो कौड़ी है, कड़ी औषध होती ना एलोपैथी कैसे कितने कड़ी होती है। बोले नहीं, श्रोत मन विरामात मन और कान को ये आनंद देने वाले ये कथाएं, भवसागर से पार कराने वाले ये कृष्ण कथा, बड़ा मधुर कथा कृष्ण कथा। इसलिए जिस समय ये कंस ने बड़े अत्याचार की संतों को, बोले खबरदार मेरे देश में भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, मेरे देश में हरि की पूजा नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, ये सारे संतों को जेल में बंद कर दो। इनको बड़े अत्याचार की, अपना पिता उग्रसेन को भी उन्होंने जेल में डाल दिए और संत लोग जेल में बैठे बैठे करके ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे, ठाकुर जी कब आप अवतीर्ण होकर के दुष्ट को विनाश कब करोगे। एक दिन श्री कंस ने अपना बहन श्री देवकी को, उन्होंने वसुदेव महाराज को साथ में शादी करा के बहुत कुछ दहेज रूप में दिया। और जिस समय सारथी बन करके विदाई दे रहा था, बीच रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। इतने में बोले भैया ये देवबाणी कभी झूठ नहीं हो सकता है, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उठाया तलवार और पकड़ लिया चोटी, मारने जब जा रहा था, इतने में वसुदेव महाराज साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश की। बोले ये समझाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे थे? वो तो नरम भक्षी है, वो तो दुष्टों को साथ में रहता, वो क्यों सुनेगा? बोले इनका एक नाम आनक दुंदु भी, जब ये जन्म हुए आकाश में देवता लोग नगड़ा बजवाए, क्योंकि भगवान के पिता बनने वाले, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। बोले कंस शादी का समय पर बहन को मारने को दुनिया क्या बोलेगा, बहन हत्यारा, ऐसे कोई जीवन कहते हैं? हैं? बोले आपने सुना नहीं? बोले मैंने भी सुना आकाशवाणी, बताओ तुम मरोगे कि नहीं? आज नहीं तो 100 साल बाद मरोगे। मरेगा कौन? ये शरीर मरता है, ये शरीर तो मरणशील है ही है, लेकिन जो आत्मा है न जायते न म्रियते, और जो नित्य शाश्वत ये आत्मा है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेदयन्तव नैन शोचति मारुतो, ये से विकार से अतीत है, आग में जलाया नहीं जा सकता, अस्त्र में काट नहीं सकते, पानी में भीगने वाले नहीं, ये तो शाश्वत है। जैसे कोई कपड़ा पुरानी होने पर छोड़ करके हम नए वस्त्र धारण करते, आत्मा तो ठीक है ही, तभी नहीं सुन रहा था। बोले देख तेरे को पता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा,
सारे बच्चे को मार दे लेकिन बहनी को मत मारो। तो वसुदेव महाराज ऐसे क्यों बोले, भैया सारे बच्चे दे दे, कोई गृहस्थ को संतान चाहिए कि नहीं, उनको परिवार को रखा करे खानदान को, लेकिन कह रहे सारे बच्चे को तू ले ले। तो उन्होंने ऐसे क्यों किए, बोले कारण है कम से कम आकाशवाणी झूठी नहीं होगी, अष्टम गर्भ में मेरे ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी अष्टम गर्भ में। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर बोले भैया कल से सारे बच्चों को मारेगा तू ब्रह्मचारी बन जाओ ना, बच्चे जन्मे मत तू, फिर तो मारेगा कहां से। बोले नहीं, सारे पाप को मैं ग्रहण करने के लिए राजी, क्यों भगवान से कम अष्टम गर्भ में तो आए ना, इसलिए ठाकुर जी के लिए उन्होंने सारे पाप को करने के लिए राजी, लेकिन ठाकुर चाहिए उन्होंने बंद नहीं किए, हर साल एक एक बच्चे जन्म दिए हर साल, क्यों ठाकुर जी जरूर अष्टम घर में जल्दी जल्दी आए और इन दुष्टों को मारे। जब पहला बेटा हुआ जब उन्होंने कंस को दे दिया, कंस का हृदय तो द्रवीभूत हो गया, संत क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ संत कर सकते हैं। बोले भैया तेरी सत्यवादिता में मैं संतुष्ट हूं, इसको तू ले जा, लेकिन तुम्हारा अष्टम गर्भ से मेरा मतलब है। कंस ने देखा भैया, नारद देखा गड़बड़ी हो गई, बोले क्यों, बोले इसकी हृदय में तो दया की भाव प्रकट हुई, अगर ये एक एक बच्चे को छोड़ेगा मतलब क्या, देवकी को पर मैं कृपा कर रही है, जो व्यक्ति मेरे मैया को पर कृपा करेगा फिर दुष्टों को मारूं कैसे हैं। इसलिए उन्होंने नारद जी बिना बजाते बजाते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारद जी प्रकट हो गए और उन्हें एक फूल लाए जिसमें आठ पंखुड़ियां थी, इतने में उनको एक गुप्त स्थान में बुलाए, बोले देख कंस अभी अभी स्वर्ग से आ रहा हूं, मैंने देखा सारे देवता लोग बैठ कर मीटिंग कर रहे थे, सावधान ये जितने जदुवंशी कोई नहीं, ये देवता लोग जन्म हुए, जितने गोपियां और कोई नहीं, सब देवियां ये सब प्लानिंग करके ना तेरे को मारने के लिए आए, बताओ तो इसमें कितने पंखुड़ी, बोले आठ, बोले बताओ गिनो, बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बोले उल्टा गिनो, बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बोले समझ में आया, बोले भैया गुरु के बगैर तो ज्ञान ही नहीं होता है, आप तो गुरु ज्ञान दोगे, बोले बेटा देवताओं को पानी समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से एक दो कर रहे हो, अगर वो उल्टा से एक दो करेंगे तो जिसको एक कर रहे हो क्या हो जाएगा आठ। अब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होएंगे कि नहीं, बोले होएंगे, ये सब के सब तेरे को मिल करके मारेंगे। बोले गुरुजी ये सबको मार दूं, बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरे काम जानता है। बस उन्होंने भगा दिया, भगा गरी को वहां से भाग गए, भाग गए तो कंस ने बोला देवकी बताओ तेरे संतान कहां है, उन्होंने एक एक कर छह संतान को मार दिया। तब यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं भैया नारद जी इतने बड़े संत होकर छह बच्चों को क्यों मरवाया, बोले मरवाया नहीं इनको मुक्ति दिलाया, क्योंकि ये पूर्व जन्म में मरीच थे ब्रह्मा की है मानस संतान, एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदर लड़की सृष्टि की, वो इतनी सुंदर थी ब्रह्मा स्वयं भयभीत हो गए, इन लोगों ने खिली उड़ाए, ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिया। यहाँ शिक्षा देते है महत व्यक्ति का कोई भी आचरण को देख करके ना कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या, बोले कंसात भय, कंस भय ही, ये जो छह पुत्र है ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, पहले ये छह रिपु को तुम वध करो, उसको बाद में सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु कौन, बोले ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता भगवान को जो धारण करने वाले पंच रस और दस शरीर से जो भगवान की सेवा करते हैं श्री बलदेव प्रभु, और अष्टम गर्भ में कौन आए, बोले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, ये एक अर्थ है। बोले दूसरा अर्थ क्या है, बोले जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव होता है भक्ति का भी आठ स्टेजेस हैं, पहला श्रद्धा, उसको बाद में साधु संग, उसको बाद में भजन क्रिया, उसको बाद में अनर्थ निवृत्ति, रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम, और प्रेम अवस्था में ही कृष्ण दर्शन है, इसलिए कृष्ण अष्टम गर्भ में आए। अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन भगवान की जो जन्म हमारे जन्म में फर गए,
हमारी जन्म कैसे हुई, पिता माता मिलन होने पर जन्म हुई, हमारी जन्म शुक्र जन्म कहते सुक्रते बीर्य से हमारी जन्म हुई, लेकिन हमारी शरीर कैसे है, बोले खीति जल पा बक गगना समीरा, आगम साईरा भगवान की शरीर कैसे है, बोले सच्चिदानंद रूपाय, हमारे जैसे शरीर नहीं, सत चित आनंदमय शरीर है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जह विदितत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नयति मामेति स्व अर्जुन, हे अर्जुन मेरे जन्म कर्म दिव्य अप्राकृत है, अजो अपि सर्ण अभयात्मा मैं जन्म रहित हूँ, लेकिन जन्म रहित होकर के जन्म लेता हूँ, बोले क्यों, भक्तों को बड़े कृपा करने के लिए, लेकिन भगवान की जन्म हमारे जैसे पिता माता की जन्म से नहीं, जैसे गुरु जी हमारे कान में मंत्र दिया वही मंत्र ही बीज रूप में शिष्य का हृदय में जाता है, और भगवान के नाम करते समय श्रवण कीर्तन रूपी जल सचन करने पर अंकुर दो पत्ते टहनिया होकर के फिर बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता, उसी तरह श्री वसुदेव महाराज का हृदय में भगवान प्रकट हुए और वसुदेव महाराज देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाई, भगवान सप्त ब्रह्म रूप में श्री देवकी के हृदय में गए, कंस देखने के लिए आया तो देख डर गया, पूरा घर उजला उजला हो रहा था, वो समझ गया काले काले बंसरी वाले आने वाले हैं, इतने डर गया वो मारने चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हुई मारने के लिए, अभी दिन रात अपना मृत्यु को काल को सोच रहा है, मेरे काल जन्म लेने वाले काल जन्म लेने वाले, इतने में भगवान इतने में सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के देवकी की गर्भस्तुति कर रहे हैं, बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपद्ये, भगवान को कहते हैं प्रभु आपकी व्रत सत्य ही आपका व्रत है, जैसे हम लोग व्रत रखते हैं ना, जैसे एकादशी जन्माष्टमी बोले ठाकुर भी व्रत रखते हैं, बोले भगवान व्रत, बोले हाँ, बोले भगवान का व्रत क्या है, बोले सकृत एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मितते जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम, भगवान कहते हैं मेरे व्रत है, जो एक बार हृदय से बोलते ठाकुर जी मैं तेरा हूँ तू मेरे हो, भगवान प्रतिज्ञा करते अभयम सर्वदा तस्मै उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ, जिनका धाम सत्य भक्त सत्य भगवान त्रिकाल सत्य जो सनातन है, बोले हे प्रभु जो तुम्हारी शरण जाता है आप क्या करते हो, विघ्न को सर पर प्यार रख कर भक्त विचरण करते हैं, लेकिन तेरे चरण को जो अनादर करके बड़ी कठोर साधन भजन करते हुए बहुत उच्च पद को प्राप्त करने पर भी ततो पद्धति अनादर दुष्मद अंग्रेज, आपके चरण कमल को अनादर करने का वजह से उनको पतन होता है लेकिन तेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता, बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की। अभी ठाकुर जी जन्म ग्रहण करने वाले, अतः सर्व काल पेत काल परम सोवन, अभी ठाकुर जन्म लेंगे, लेकिन जब भगवान जन्म लेंगे उस समय छह ऋतु एक साथ में आ गई और वृंदावन धाम इतनी खुश हो रही थी और उन्हें जयकार देख रही थी, बोले श्री कृष्ण के नया लाल की, बोले ये पृथ्वी क्यों खुश हो रही थी, बोले सत्य युग में बराह अवतार में भी मेरे को पत्नी बनाए, तृतीया युग में मेरी जन्म कहाँ से हुई, माता सीता की पृथ्वी से, और पृथ्वी से सीता को साथ में राम की जन्म शादी हुई, इसलिए पृथ्वी क्या लग गई, सासु लग गई, द्वापर युग में सत्य भामा ही ये पृथ्वी स्वरूपिणी,
और कृष्ण नंगे पांव में वृंदावन में भ्रमण करेंगे। पृथ्वी भी जिनके चरण स्पर्श पा करके बड़ी सुंदर हृदय उनके खिल जाएगी हैं, इसलिए पृथ्वी बड़ी खुश हो रही थी। और ये यमुना रानी तो इतने प्रसन्न जमुना तरस से कल 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 नाद करते करते यमुना प्रवाहित हो रही थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बल्कि यमुना क्यों प्रसन्न हो रही थी, बोले भगवान मेरे पटरानी अपना विशाखा रूप है जल विहार करेंगे। बोले दूसरी दूसरी नदी भी खुश हो रही थी, बोले क्यों, बोले यमुना सबसे बड़ी बहन, जो छोटी बहनी दूसरे दूसरे नदियां उनकी छोटी बहनी, जब बड़ी बहनी से कृष्ण की शादी होगी छोटी बहनी क्या लगेगी, साली। आप देखना कभी कभी दामाद अपना पत्नी से ज्यादा साली को प्रेम करते हैं, इसलिए इसी नाते कृष्ण भी हमें प्रेम करेंगे। जो कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन ये कमल फूल खिल गया रात में, बोले ये रात में क्यों खिल गया, बोले कारण है संत जब उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी, भगवान के सारे अंग को कमल के साथ उदाहरण देंगे, इसलिए कमल फूल खिल गया। और भगवान जब प्रकट हुए कौन सा अष्टमी, अष्टमी का चंद्रमा आदि होती है, बुधवार रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुए हैं, बुधवार रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुए, बोले कारण किया, बोले कारण है जब भगवान पहले तृतीया युग में आए सूर्य वंश में, भगवान ठीक दो दोपहर में सूर्य का प्रचंड तेज होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णना करते हैं एक महीना तक तो उत्सव चली कहां पर, अयोध्या में सारा दुनिया नाच रहे थे, लेकिन जो चंद्रमा है ना एक कोने में बैठ बैठ कर रो रहे थे। बोले चंद्रमा सब नाच रहे, तू कोई रो रहे, बोले रोगा नहीं क्या, हंसूंगा, बोले तू भी हंसना तू भी नाच, बोले कैसे, देखो ये सूरज को देखो एक महीना से ही खड़ा, सूरज जाएगा नहीं तो चंद्रमा कैसे आएगी, मैं तो वंचित हो गया प्रभु तेरी लीला से, उत्सव से वंचित हो गया। बोले चिंता मत करो, अगली बार जब आऊंगा ना तेरे वंश में, बोले पता नहीं कब आओगी, अभी तो कृपा नहीं हुई, बोले कोई बात नहीं, मेरा नाम तो राम है लेकिन सारा दुनिया मेरे को रामचंद्र बोलकर बोलेगी, तेरे नाम को मेरे साथ में जोड़ दूंगा, खुश हो, बोले प्रभु मैं खुश हूँ। अभी जब भगवान आए, अभी चंद्रमा चंद्र वंश में आए, लेकिन जो चंद्रमा अष्टमी का रात अष्टमी चंद्रमा आदि, लेकिन आज पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए चंद्रमा ऊपर में, कृष्ण जब आए आकाश में मेघ छाया हुआ था, इतने में मेघ और चंद्रमा में लड़ाई हो गई। चंद्रमा बोले मेघ मेरे सामने हट जा, बोले क्यों, बोले तेरे को पता नहीं आज ठाकुर जी मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ बोले तेरे वंश में आ रहे हैं लेकिन किसका कलर लेकर के आ रहे हैं, भैया रंग तो मेरे ही लेकर के आ रहे हैं। इसलिए संत लोग जब उदाहरण देंगे ना कैसे हैं, नव जलधर घन श्याम बोल करके उदाहरण देंगे देवता लोग, भैया ये थोड़ी लड़ाई करने का समय, ये तो आनंद लेने का समय, तू भी हट जा उसको भी आनंद लेने दे, तू भी आनंद लो। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं मूल श्लोक में ही, आकाश में जो काला मेघ छा जाए देखना चार व्यक्ति खुश होते, आज मैं बताऊंगा कलाओं से सुनूंगा। पहला व्यक्ति किसान, क्योंकि किसान ने खेती बोया, अगर बारिश नहीं होगा क्या होगा, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसान कौन, बोले पितामह ब्रह्माय च दुष्कृताम, भगवान आकर के सारे दुष्टों को विनाश करेंगे। बोले दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है, बोले चातक, ये जो चातक चिड़िया किसी नदी किसी तालाब का पानी नहीं पीता, वो कौन सा पानी पीता है, बोले स्वाधीन नक्षत्र का पानी। बोले ये चातक स्वरूप कौन, बोले नारद, जब देखा भगवान प्रकट होने वाले ठाकुर जी की लीला दर्शन करके कल हम सुनेंगे। इसलिए तीसरा व्यक्ति बोले मोर, मोर कब नृत्य करता है, आकाश में जो काला मेघ छा जाए रिम झिम बारिश ही हो देखना फिर थिर करके मोर नृत्य करता है। बोले ये मयूर कौन है, बोले नीलकंठ श्री भोले बाबा है, कल सुनेंगे शंकर कैसे दर्शन के लिए आएंगे। चौथा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता, बोले दावानल में दग्ध हाथी, जब जंगल में आग लग जाए हाथी को बड़ा कष्ट होता है, हैं? लेकिन ये जंगल का आग बुझेगी कैसे, जब घना घोर बारिश हो ना तभी बुझेगी, नहीं तो बुझने वाले नहीं। बोले ये लोग कौन है, बोले इंद्र चंद्र आदि देवता लोग है, जब कृष्ण रूपी मेघ को देखा सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने में भगवान कृष्ण ठीक
ठीक रात को बारह बजे, बोले बारह बजे क्यों आए, बोले चोर है ना कृष्ण, इसलिए दिन में भगवान राम को मर जाते पुरुष समय, और कृष्ण चोर है, मक्खन चोर है, मन चोर है, पाप चोर है, इसलिए चोर का सबसे बढ़िया समय क्या रात है, इसलिए ठीक रात को बारह बजे ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर के देव की वसुदेव को कारागार में प्रकट हुई। देव की वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हम पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप इसी रूप में क्यों आए, बोले पूर्व जन्म में तुम दोनों वृष्ण सुत थे, पेड़ से जब पत्ता गिर जाता था उसको खा खा करके तुम लोग 10,000 साल तपस्या की, मैंने कहा बर मांगो, बोले आप जैसे बेटा होनी चाहिए, मैंने कहा देखो न तत् समस्या अधिक असदृश्यते, मेरे बड़े की बात छोड़ दो मेरे बराबर भी नहीं, मैं स्वयं आऊंगा, देखो अभी मैं बालक बन जाऊंगा तो मेरे गोकुल में ले लेना, वहां पर एक बेटी हुई मेरे को रख करके वहां से बेटी ले आना। बोले प्रभु हथकड़ी बड़ी पड़ा हुआ, पहरादार बड़े बड़े ताला, बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को अपना क्या बोले सर पर रख लो, सब बंधन खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी देव की वसुदेव अभी धीरे धीरे जा रहे ही, रिम झिम बारिश हो रही थी, स्वयं अनंत देव छत्र रूप में रक्षा कर रहे हैं। जब उन्हें यमुना को अंदर में गए, लपालो पानी भरा हुआ, यमुना गति भी सोच रही हैं प्रभु का चरण को स्पर्श करे, ठाकुर जी पीछे चरण बढ़ाए तो यमुना महारानी भी भगवान के चरणों को स्पर्श कर की, और देखा जोग माया एक सियार बन करके सामने जा रहे थे, इतनी सी पानी बस उन्होंने पार हो। हाँ देखो आज तो हम लोग ने श्रवण किया कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कल बड़ी सुंदर कथा सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बनकर कैसे आए। ये कथा बहुत प्यारी कथा, शास्त्र में कहां कहां पर ये बात बताया वो श्लोक समेत कल हम सवेरे कल हम शाम को हम कृष्ण गोकुल में कैसे जन्म हुए उसको सुनेंगे। बोले 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 कृष्ण के नैया लाल की, आ जाओ भैया आ जाओ, देव की वसुदेव जी आ जाओ, हरे कृष्णा माता जी उनको भेजे कर किधर आ जाओ, बावन भगवान, बावन भगवान का कीर्तन नहीं हुआ। हाँ देखो भगवान बामन देव है, नियम है भगवान बामन देव को जो भिक्षा देनी चाहिए, जैसे सुदामा ने भगवान को दो मिट्टी चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए, इसलिए नियम बामन देव को भिक्षा देनी चाहिए, समय नहीं था इसलिए तेरे द्वार खड़ा भगवान हरिदेव झोली आप कीर्तन नहीं कर पाए, जब बामन देव सबसे भिक्षा लेकर आ जाए या पीछे चल जाए बामन डोली लेकर के, ये बामन देव को मुझे भिक्षा दो भैया आप लोग आ जाओ, बधाई गा लो आप भी गा लो प्रभु गाएंगे दोनों मिलकर गाना, बीबी निकाल तुम्हारे नंबर आएगा भाई। और एक कोई चेयर चाहिए, और कोई चेयर है पीछे से, और एक चेयर ला सकते हो, हाँ ठीक ठीक चेयर अपना अपना बड़ा करो, नंद के लाला की जय।
I'm gonna make you mine.